Hare Krishna, Srimad Bhagavad Geeta, Chapter 2, Text Number 54. Arjuna Uvacha Sthita Prajyasya Kabhasha Samadhisthasya Keshava Sthitadhisya Bhashita Kimasita Vrajita Kim Sthita Prajyasya Kabhasha Samadhisthasya Keshava Sthitadhi Kim Prabhashita Kimasita Vrajita Kim Sthita Prajyasya Kabhasha Samadhi Thasya Keshava Sthitadhi Kim Prabhashita Kimasita Vrajita Kim Sthita Prajyasya Kabhasha Samadhi Thasya Keshava Sthitadhi Kim Prabhashita Kimasita Vrajita Kim Sthita Prajyasya Kabhasha Samadhisthasya Keshava Sthitadhi Kim Prabhashita Kimasita Vrajita Kim Sthita Prajyasya Kabhasha Samadhisthasya Keshava Sthitadhi Kim Prabhashita Kimasita Vrajita Kim शब्दों का अर्थ देखिए. अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन ने कहा. स्थित प्रज्ञस्य यानी जो कृष्ण भावना में स्थिर हुआ है ऐसा व्यक्ति का भाषा का मन कैसी भाषा मना उसकी लैंग्वेज भाषा कैसी है. समाधि स्थस्य समाधि में स्थित हुए पुरुष का केशव हे केशव स्थित भी यानी जो कृष्ण भावना धारित व्यक्ति है किम प्रभाषित कैसे बोलता है बोला लैंग्वेज कैसी है और उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है वो बोलता कैसे है. किम आसीत कैसे रहता है उसका लाइफ स्टाइल कैसा है. रजेत किम और कैसे चलता रजेत माना चलता कैसे है. अत्यंत सुंदर प्रश्न है. अनुवाद देखिए. अर्जुन ने कहा हे कृष्ण आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति सिद्ध प्रज्ञ के क्या लक्षण है वे कैसे बोलता है उसकी भाषा क्या है वह किस प्रकार बैठता और चलता है. इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति. ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोहेष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपम् साग्रजातम् सह गणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सह गणललिता श्री
शाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनं गारंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधु एवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। श्लोक नंबर 53 में भगवान ने अर्जुन को कहा समाधा वचला बुद्धि यानी कि वो बुद्धि जो अचल रूप से समाधि में स्थित होती है तदा योगम अवाप्स्यसि तभी योग को यानी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। बुद्धि समाधि में स्थित हो जानी चाहिए। स्थित का मतलब होता है उसमें अचला भगवान ने लिखा समाधा वचना यानी बुद्धि में कोई भी अचल वो अचल होनी चाहिए स्थिर होनी चाहिए भगवान किसी चरण में टिकी हुई होनी चाहिए उसमें कोई चलायमान नहीं होनी चाहिए डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए केवल भगवान के श्री चरणों की ओर आकर्षण हमारा बना रहना चाहिए और उसी को योग में तदा योगम आवाप्स्यसि तभी हम रियल योग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। तो ये सुनने के बाद अर्जुन के मन में भगवान के से एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है और भगवान को कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ से प्रज्ञ कहते हैं बुद्धि को स्थित मना जब वो स्थित हो जाती है जैसे भगवान ने पहले बोला समाधा वचना बुद्धि तो ये निश्चल बुद्धि जो है जिसके लिए भगवान ने कहा यदा इच्छति निश्चला ये जो निश्चल बुद्धि है जो कि समाधि में स्थित होती है जिस मनुष्य की हो जाती है का भाषा उसकी लैंग्वेज कैसी होती है उसका वो कौन सी लैंग्वेज कौन सी भाषा में बात करता है और समाधि सत्य केशव जो समाधि में है केशव जो समाधि में स्थित हो जाता है वो कैसे बात करता है और इससे भी केंद्र भाषा वो किस तरह से बात करता है उसकी भाषा कैसी। अब देखो दोनों में एक ही बात पूछी है एक तो बोला उसकी लैंग्वेज कैसी होती है उसकी भाषा कैसी होती है बात करने का स्टाइल कैसा होता है। यहाँ पर ये बात हमें समझनी चाहिए कि अर्जुन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि मॉडर्न उसका स्टाइल ऑफ टॉकिंग कैसा है ऐसे नहीं लेकिन वो किस पर्पस के लिए बात करता है यानी कि वो आध्यात्मिक अभी अर्जुन ने जो शब्द उपयोग किए हैं ना वो इस भौतिक तरीके से नहीं है जैसे हम लोग बोले ना इसका अभी आगे भी अर्जुन ने पूछा है कि माँ शीतल रजय सुखम वो चलता कैसे है और बैठता कैसे है लेकिन ये इस तरह का नहीं है जैसे हम संसार में हमें ये सुनकर कैसा लग रहा है कि वो चलने का स्टाइल पूछ रहा है और बैठने का ऐसे नहीं है। जैसे स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं जो बुद्धि योग में स्थित होता है। अब जो बुद्धि योग में स्थित होता है उसकी कोई पहचान तो होनी चाहिए ना अर्जुन बोल रहा है। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ना मतलब ऐसा हो वो ही स्थित प्रज्ञ से हो सकता है जैसे कोई ब्राह्मण है वो ही स्थित प्रज्ञ से हो सकता है उसमें तो नहीं है ना चाहे शूद्र भी हो सकता है चाहे ब्रह्मचर्य भी हो सकता है वानप्रस्थ भी हो सकता है ग्रस्त भी हो सकता है कोई भी हो सकता है स्थित प्रज्ञ तो उसके यहाँ फॉरेक्ट पे लिखा तो नहीं होगा ना कि ये स्थित प्रज्ञ से हम उसको पहचानेंगे कैसे या फिर उसकी कोई यूनिफॉर्म तो नहीं होती जैसे किसी स्कूल में हम जाते हैं तो उसकी यूनिफॉर्म होती है किसी भी डिपार्टमेंट जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है तो उसकी यूनिफॉर्म होती है पता चलता है कि ये डॉक्टर है ये वकील है ये तो अब उसका तो कोई ऐसा नहीं है ना कि स्थित प्रज्ञ का ये है ना यूनिफॉर्म है या ये वेशभूषा है उसकी तो उसको पहचानने के लिए अर्जुन पूछा है कि क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ से है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उसने ली है लैंग्वेज को बात करने को दो दफा पूछा का भाषा किम प्रभाषा
उसकी लैंग्वेज कैसे और बात कैसे कर रहे हैं, यानी कि सारा का डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, कि अगर वो उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञा से, अगर वो बुद्धि युक्त है, अगर वो बुद्धि योग में लगा हुआ है, तो सबसे पहला इफेक्ट किस पर पड़ने वाला, उसकी लैंग्वेज पर पड़ने वाला, उसका बात करने का तरीका, वो किस बारे में बात करता है, वो जब बात करता है तो क्या बोलता है, सारा इस पे डिपेंड करता है। तो पहले श्लोक में यही बोला सा भाषा, और आगे भी बोला ऐसे किम प्रमाशित, और आगे बोला कि वो चलता कैसे और बैठता कैसे है। तो वास्तव में वस्तु क्योंकि भगवान अर्जुन से ये उपेक्षा कर रहे थे कि वो बुद्धि युक्त में, बुद्धि में युक्त होकर, बुद्धि योग में लगकर अपना कर्म करे, तो अर्जुन ये जानना चाहते थे कि आखिर वो जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उस वो किस तरह से बात करता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, ताकि उसके बारे में पूरा पता चले। और ये भी जानना चाहता था कि अगर मैं स्थित प्रज्ञ हो जाता हूँ तो क्या फिर मुझे अपने इस कर्तव्य को, जो ये भयावह कर्तव्य है, युद्ध का कर्तव्य, उसको फिर भी निभाना पड़ेगा। तो भगवान उसका बहुत सुंदर उत्तर देंगे, लेकिन अभी हम इस अर्जुन के प्रश्न को समझने के लिए श्री प्रभुपाद जी का आश्रय लेते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित का पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। अब हर कोई की कोई न कोई मखसूस स्थिति होती है, जो भी भले कोई भी व्यक्ति होता है तो उसकी एक मखसूस स्थिति होती है, उसी के अनुसार उसके अंदर कुछ न कुछ सिम्टम्स दिखाई देते, पता चल जाता है। जैसे ब्राह्मण है तो उसे पता चल जाता है कि ये ब्राह्मण होगा, और जैसे क्षत्रिय है तो वो जो बात करेगा, उसका वे ऑफ टॉकिंग होगा, उसका स्टाइल होगा, उससे पता चल जाएगा कि ये है ना क्षत्रिय है, और शूद्र होगा वो ऐसा ही, उसका ऐसा ही होगा। उसी तरह से अगर है ना कोई एजुकेटेड बंदा होगा तो उसके उसका वे ऑफ स्टाइल जैसा होगा ना, उससे पता चल जाएगा कि वो कैसा है। और कोई अमीर होगा तो भले वो बोले भी नहीं, उसका खाली ड्रेस से, उसके वेशभूषा से पता चल जाएगा कि हाँ ये कोई बड़े साहूकार बनने। और अगर कोई गरीब होगा तो उससे पता। तो भगवान कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस तरह हर व्यक्ति की कोई ना कोई पहचान होती है, उसी तरह से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, उसकी एक नेचर होती है, यथा उसका बोलना चलना सोचना आदि, कि वो किस तरह से बोलता है, सोचता है, किस तरह से चलता है। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हर कोई लोग अगर रोगी होगा तो पता चल जाएगा कि ये रोगी है, और अगर विद्वान होगा तो पता चल जाएगा अपने उसके गुण ऐसे होंगे कि हम जान जाएंगे। उसी तरह से कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षण से जाना जाता है, यानी कि जो भगवान की भक्ति में लगा होता है उसके भी कुछ लक्षण होते हैं। और वो हमें कैसे पता चलेगा, श्री गोपाल जी कहते हैं, इन लक्षणों को श्रीमद् भगवद गीता से पहचाना जा सकता है। ये श्रीमद् भगवद गीता जो है ना, वो हमें बताएगी कि कृष्ण चेतना वाला व्यक्ति कैसा होता है, क्योंकि भगवान ही जानेंगे। अब देखो, जो प्रेमी होता है वो कैसा होता है, मेरा प्रेमी कैसा है, वो कौन बता सकता है, प्रीतम ही बता सकता है। तो भगवान क्या बताते हैं, पूरा बताते हैं उसके विषय में। सेकंड नंबर 12 में तो भगवान ने बहुत ही सुंदर व्याख्या की है अपने प्रेमियों की। 12.13 and 14 में भगवान बताते हैं, अत्रिष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमे संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः समीप्रियः।
कितना सुंदर कहते हैं भगवान अपने भक्त के विषय में कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करता है, इसको बुद्धि योग कहते हैं ना, ऐसे व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करते हैं, सबके लिए कृपालु होते हैं और कभी भी अपने आप को स्वामित्व कोई अहंकार नहीं होता है, सुख और दुख में एक समान होते हैं। यस्मानो दिशति लोको लोकानो दिशति सयः हर्षामर्ष भयो द्वेगं मुक्तो यः सजनी प्रियः। 12.15 में भगवान ने कहा, जिससे किसी जीव को कोई कष्ट नहीं पहुंचता और न ही किसी जीव के द्वारा विचलित होता है, वो सुख और दुख में, भय और अभय में तथा चिंता में हर टाइम पर समान रहता है। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने इस चित्त प्रज्ञ की अलग अलग तरीकों से व्याख्या की है। और यहाँ पर श्री गोपाल जी क्या कहते हैं कि किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये है कि कृष्ण महानुभावित व्यक्ति किस तरह से बोलता है। आज ने इसीलिए दो टाइम पूछा ना कि कावासा केंद्र भाषा, तो वो बोलता कि क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जो वाणी है ना, जिसे हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। अब आप किसी कोई भी जाहिल बंदा होगा, उसको थ्री पीस सूट पहना दो और उसको शूज वगैरह रोबक की वॉच पहना दो, सॉरी राडो की घड़ी पहना दो, रोबक की शूज पहना दो, लेकिन फिर भी अब वो जब बात करेगा ना, तो पता चलेगा ये तो जाहिल है, जट है, इसको तो समझ में आया ही कुछ भी, मतलब पता चल जाएगा उसके बोलने से ही। तो यहाँ पर श्रद्धा बाबा जी इसलिए बोलते हैं कि है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि वो बात कैसे करता है, क्योंकि वाणी उसकी सबसे मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं है। एक बने खड़े मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वो बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। बाबा जी बोलते हैं अगर कोई बना देना मूर्ख होगा तो जब भी वो बोलेगा तो पता चल जाएगा। इसे बहुत अच्छी कथा याद आती है कि चार भाई थे, वो चारों तोतले थे। अब उनका विवाह करना था, एक घर में गए तो उसके जो गुरु महाराज है ना, उन्होंने इसको बोला कि देखो तुम लोग बात मत करना, उसको थ्री पीस सूट वगैरह पहना के वहाँ पर बैठा दिया, बोले तुम बस कुछ भी हो जाए बात नहीं करना। तो जब चारों गए, इतने सुंदर लग रहे थे, तो वहाँ पर सब लोग तारीफ कर रहे थे कि आप लोग कितने सुंदर हो, ये कितने सुंदर है, सुशील है। तो उसमें से जो छोटा था ना, उसको अपनी तारीफ सुननी तो रहा ना गया और बोला, उसको बोलना था कि अभी तो जब चंदन वंदन लगा के बंधन के आएंगे ना, फिर देखना हमारी सुंदरता। तो वो क्यों तोतला था, वो बोला जब चंदन वंदन लगा के आएंगे ना, फिर देखना हमारी सुंदरता। तो उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला ये तो सही बात नहीं कर रहा है, तोतला है, इसके साथ तो हम विवाह नहीं करवाएंगे अपने अपनी बेटी की। तो दूसरे से रहा ना गया, उसने बोला, उसको ये बोलना था चुप रहो, याद नहीं गुरु जी ने कहा क्या कहा था, तो उसने बोला चुप रहो, या नहीं गुरु जी ने क्या कहा था, उसको बोला ये भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो भी तोतला था। अभी तीसरे ने बोला, उसको बोलना था तुम भी तो बोले ना चुप रह जाते, तो उसने बोला तुम भी तो बोले ना चुप रह जाते। तो फिर उसने बोला इन तीनों से शादी नहीं करवाएंगे हम, भले खाली बड़ा जो बच्चा है ना उसके साथ शादी करवाएंगे। तो तीनों रिजेक्ट हो गए, तो भाई बहुत खुश हो गया और बोला छुट्टा है मेरे को, बच जाए मेरे को, नहीं तो शादी भी होगी नहीं तो हो जाती है। तो मैंने जैसे उन्होंने बोला तो पता चल गया कि वो कितने मूर्ख हैं और तोतले हैं। लेकिन कृष्ण महानुभावित व्यक्ति कैसे बोलता है, उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 10.19।
Now, this one is Namashok. Then, point 9. Bhagavan batate ki mere bhakt kisra baat karte hai. Bhagavan kehte hai. Machita matkatah kamnam Bodhayantah parasaram Kathayantah samamityam Sushyanti saramatisa मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित होते हैं और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए तथा मेरे विषय में बातें करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कथयन्तस्य माम नित्यम, वो जब बात करते हैं ना, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो कृष्ण माना भावित होते, वो बात करते वक्त कोई भौतिक फिजूल प्रज्वल पर टॉपिक में करते हैं, किसी टॉपिक पर जो फिजूल टॉपिक्स हैं जो दुनिया में, उससे ज्यादा बात नहीं करते, वो भगवान के विषय में बात करते, भगवान की लीलाओं के विषय में बात करते, भगवान के श्लोकों भगवत गीता के विषय में बात करते हैं। और इस तरह से बात करके भगवान कहते हैं कथयन्तस्य माम नित्यम, वो केवल मेरे विषय में बात करते हैं और तुष्यन्ति च रमन्ति च, और जब वो मेरे विषय में बात करते ना तो उनको परम संतोष तथा आनंद का अनुभव होता है, उन्हें इतना अच्छा लगता है क्योंकि कृष्ण के विषय में बात करना ही इस वाणी का सदुपयोग है। इसके अतिरिक्त यदि हम किसी भी बात किसी भी विषय में बात करते हैं, लोग कैसे बात करते हैं फिजूल में, फिजूल की बात जिसका कोई न सुर है न स्वाद है, बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बोलते हैं वो कर, लेकिन हर वो चीज जिसमें भगवान की बात नहीं है, भक्त ऐसी कोई बात नहीं करते जिसमें कृष्ण का कोई बात कृष्ण के विषय में बात नहीं, क्योंकि वो भक्त जो होते ना वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और वो बात करते और समझते हैं कि जिस बात में भगवान की चर्चा नहीं है वो किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है, ना मेरे लिए ना सुनने वालों के लिए। तो भक्त क्योंकि सबका हमेशा भला चाहते तो केवल भगवान के विषय में बात करते हैं। भागवत तो यहाँ तक कहती है साहानि तन्महच्छिद्रम् सामोहस्य च विप्रमः यन्मुहूर्तम् क्षणवापि वासुदेवम् न चिन्तयन्। साहानि तन्महच्छिद्रम् यानी कि आपका सबसे बड़ा लॉस, आपका सबसे बड़ी हानि, आपका सबसे बड़ा नुकसान तब है जब आप कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और सुनते हो। सामोहस्य च विप्रमः, अगर कृष्ण को भूलकर कुछ और के विषय में बात करते हो तो मोह है वो सब। और यन मुहूर्तम क्षणोवापी, और कितना सिर्फ एक मुहूर्त, छोटा सा मुहूर्त होता है, इवन क्षणोवापी एक छोटा सा क्षण, अगर वासुदेवम न चिंतन, अगर आप भगवान की चिंतन से दूर रहकर कोई और चीज सोच रहे हो और किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, किसी और चीज के बारे में विचार कर रहे हो, किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो वो आपका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, आपकी सबसे बड़ी हानि हो रही है। तो भक्त ना अपनी हानि करता है और ना दूसरों की हानि होने देता है, इसलिए वो सदैव भगवान के विषय में बात करता है जिससे उसका कल्याण होता है और दूसरे सुनने वालों का भी परम लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण महानुभावित व्यक्ति सर्व प्रमुख, उसका लक्षण ये है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि सत्य प्रज्ञ क्या है और वो किस तरह से बोलता है, कैसे उसकी वाणी होती है, कैसे दूसरा एटीट्यूड कैसा होता है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा होता है, वो हम कल से पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद्गीता चैप्टर 2।